नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर 4 प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। ये 4 राजनीतिक दल हैं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जेजेपी व आम आदमी पार्टी तथा इसके साथ साथ इनेलो भी। इन चारों मजबूत संगठन और राजनीतिक दलों के कुल 40 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इन 40 उम्मीदवारों में कितनी महिला उम्मीदवार हैं। हालांकि विभिन्न राजनीतिक दल 30% तक आरक्षण महिलाओं के लिए मांगते हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने 30% महिलाओं को टिकट नहीं दिया। केवल कांग्रेस पार्टी ने अपनी 2 महिला प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारी हैं, उनमें से कुमारी शैलजा अम्बाला से और जो हरियाणा की वरिष्ठ नेत्री है तथा वे 2 बार 1991 में सिरसा लोकसभा से विजयी हो चुकी है तथा 2 बार 2004 में 2009 में अम्बाला लोकसभा क्षेत्र से जीत भी चुकी हैं। वहीं 2014 में उन्हें राज्यसभा का मेंबर बनाया गया। वहीं दूसरी भिवानी से कांग्रेस उम्मीदवार श्रुति चौधरी है, जो चौधरी बंसीलाल की पोती है तथा इस समय 3रा चुनाव लड़ चुकी हैं। 2009 में लोकसभा क्षेत्र से विजयी हो चुकी हैं। उसके बाद है सिरसा से सुनीता दुग्गल, जो पिछले दिनों IRS अधिकारी रह चुकी हैं। वह 2014 में चुनाव लड़ने के लिए IRS की नौकरी से त्याग पत्र दे दिया था। उन्होंने उस समय लोकसभा क्षेत्र में सिरसा से चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन विधानसभा चुनाव में वे रतिया से भाजपा की उम्मीदवार बनी। वह एक बड़े कम मतों से हार गई थी। वहीं चौथी उम्मीदवार है नई नवेली पार्टी व आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने वाली JJP पार्टी और उसकी महिला उम्मीदवार हैं स्वाति यादव। आपको बता दें कि स्वाति यादव की इस समय चर्चा बहुत दिनों से हो रही है, क्योंकि वे एजुकेशन में सामाजिक कार्यों से जुड़ी रही हैं तथा लगातार 10 वर्षों तक शिक्षा व कार्यकर्ता अमेरिका में सामाजिक कार्यकर्ता रही। वह अमेरिका से इस समय वे लौटी हैं। वे भी तेज तर्रार नेत्री हैं। इस प्रकार आपको बता दें कि हरियाणा में 4 महिलाएं चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं। ये 4 महिलाएं 3 लोकसभा क्षेत्र सिरसा, भिवानी, अम्बाला से चुनाव मैदान में हैं। हालांकि इनेलो ने कोई भी और किसी भी महिला को सीट नहीं दी है, लेकिन कहले को सभी राजनीतिक पार्टियाँ महिलाओं के लिए 30% तक आरक्षण मांगती है। जब बात सीटों की आती है तो ये सब असंभव सा लगता है। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट।